गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है, तो देखेंगे आपके पर्सन किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में और आपके बारे में सोचकर क्या फील करते हैं। रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं रिपनेस, द मास्टर, ट्रैवलिंग एंड पॉसिबिलिटीज़। और अगर जोड़ी एक साइंस की बात करें तो वैसे तो ये रीडिंग सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है, पर फिर भी जो इम्पॉर्टेंट साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो हैं मकर, ऋषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। और एक बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके माय लवली व्यूअर्स, और कार्ड्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, रीडिंग में एंड तक बने रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे रिपनेस के कार्ड से। ऐसा लग रहा है कि कोई फल जैसे कि पहले कच्चा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पकना स्टार्ट होता है और जब पक जाता है पूरी तरह से तो वो खाने के लिए तैयार होता है और बहुत मीठा हो जाता है और हमें टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप दोनों के रिश्ते की भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी। पहले पहले आप दोनों के बीच फाइट हुई होंगी, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने, धीरे धीरे जब जानते समझते गए ना तो एक दूसरे के इतना ज़्यादा क्लोज आ गए कि आपको ऐसा लगा कि अब आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने ख़ास बन चुके हैं कि उतना ख़ास आपके लिए कोई भी नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे को पाकर हैप्पी और खुश भी थे, ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। आपको ऐसा महसूस हुआ था कि आप दोनों ना एक दूसरे की कमियां निकालने की बजाय एक दूसरे की खूबियों को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे में एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जैसा है। तो आपने अपने पर्सन को पाकर इस तरह महसूस किया कि आप दोनों अलग अलग नहीं हैं, दो जिस्म भले ही हैं पर एक जान बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो एक बॉन्ड था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था और आप दोनों को ऐसा लगा था कि आप दोनों इतने मैच्योर हैं कि इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकेंगे, ये जीवन की जर्नी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप इस रिश्ते को कोई नाम दे देंगे। तो जब नाम देने की बात आई ना, जब आपको कमिटमेंट देने की बात आई, तब आपका पर्सन पीठ दिखाकर चला गया है इस रिश्ते के लिए। स्टैंड लेने की बजाय इस पर्सन ने किसी अदर पर्सन की बातों में आकर के इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। आपसे मुँह फेरना इस पर्सन का ऐसा था जैसे कि आप पर बिजलियाँ सी गिर गईं। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो इंसान इस प्यार और इस मोहब्बत का इतना दम भरता था, जो आपके बिना रह नहीं पाता था, जो ये कहता था कि आप इस पर्सन की जान हैं, तो अब ये जान को छोड़कर कैसे चला गया। तो इस चीज़ को देखकर ना आप हैरान और परेशान हैं, पर इस पर्सन ने ऐसा ही आपके साथ में किया है। आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जहाँ पर अब आप अकेले ना तो रह पा रहे हैं और ना ही अब इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि ज़्यादातर लोग बेवफा होते हैं। चाहे कितना भी आपके करीब आएं, आपको प्यार जताएं, फिर भी उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, इसीलिए आप अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन की जर्नी आप अकेले ही तय कर लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में खुद को कम्प्लीट मानते हैं, आपको ऐसा लगता है आप में कोई कमी नहीं है। लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप में जो क्वालिटीज़ हैं कुछ पल के लिए लोगों को लुभा रही हैं, पर ज़्यादा टाइम तक आपके साथ में वो इंसान बंद कर नहीं रह पा रहा। तो कहीं ना कहीं आप खुद की कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप खुद की ज़िंदगी के मास्टर बन सकें। तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ आपका पर्सन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश जो पास्ट में करता था, शायद इसलिए करता था क्योंकि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, टाइम पास कर रहा था ये कह सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में इस पर्सन को जो चाहिए था वो इस पर्सन को मिल गया। ये पर्सन अपना मतलब निकाल कर चले गए हैं आपको पीठ दिखाकर, और
जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया वो भुला नहीं पा रहे हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि ये तो एक तरह की चीटिंग है जो इस पर्सन ने आपके साथ की है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, आपको दर्द दिया है। इस जीवन की जर्नी को अब आप अकेले तय करेंगे, एक ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ दिया है। आपकी थिंकिंग में जो बदलाव देख पा रही हूँ वो इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने इस पर्सन से धोखा खाया है। अब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही क्या, कोई भी पर्सन आपके इतने करीब अब नहीं आ पाएगा, आप आने ही नहीं देंगे। तो अब आप लोगों से दूरियां बनाने लग गए हैं और आप खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं, अपने ऑरा को इतना क्लीन कर लेना चाहते हैं कि अब आप खुद में ही संतुष्टि प्राप्त कर सकें, खुद की ज़िंदगी के मास्टर बन सकें। क्योंकि यहाँ रिपनेस के कार्ड के साथ साथ मास्टर के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि अब आप खुद में इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, धोखे खा कर ही सही पर आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। अब आप इस पर्सन के बिना भी रह सकते हैं और अगर ये पर्सन दोबारा रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बात ये पर्सन अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये आइडिया तो हो चुका है कि जो जीवन की जर्नी इस पर्सन ने आपके साथ स्टार्ट की थी उसको अधूरा छोड़कर ये पर्सन चले गए हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा कि सफ़र में बहुत सारे लोग मिलेंगे तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, उस इंसान से फ्रेंडशिप की जा सकती है, उस इंसान के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है, पर उस इंसान को कमिटमेंट दे दी जाए, उसे पूरी तरह से अपना बनाकर रख लिया जाए, इस रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के लिए। या तो ये पर्सन पहले से मैरिड थे, इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा बाद में हुआ जब ये पर्सन आपके ज़्यादा क्लोज आ गए, तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको अपनी सच्चाई बतानी होगी और ये पर्सन सच्चाई बताने की बजाय आपसे मूव ऑन कर गए हैं। बहुत कुछ ऐसा है आप दोनों की ज़िंदगी में जो अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है, आप इस पहेली को अब सुलझाना भी नहीं चाहते, अब आप चाहते ही नहीं कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आए। एक ऐसी एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इस रिश्ते में इस पर्सन को जो भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, इस पर्सन की साइड से आपके बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो अब इस पर्सन को दिखाई दे रही हैं, काश की पहले दिखाई दी होती तो आज सिचुएशन जिस तरह की है उस तरह की सिचुएशन नहीं होती, ये पर्सन धोखेबाज नहीं कहला रहे होते, आपकी नज़रों में ये पर्सन इस कदर नहीं गिर गए होते जिस तरह से ये पर्सन गिर चुके हैं। क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग के कार्ड के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि अब आपके पर्सन को ये एहसास हो चुका है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और गलती का एहसास जब इस पर्सन को हो रहा है ना तो इस पर्सन को अब ये एहसास होने लगा है कि ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये तो आगे बढ़ता चला जा रहा है और कुछ अच्छे रिश्ते इस पर्सन के पीछे छूट गए हैं। जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, तो इस पर्सन को अपना जो किया गया धोखा है ना, जो आपके साथ इस पर्सन ने किया है वो याद आता है, तो ये पर्सन अफसोस मनाते हैं और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात भी करते हैं कि आप दोनों ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे और ये जो आप दोनों का सफ़र था कुछ ही वक्त का था जो अब ख़त्म हो चुका है, पर अब ये पर्सन रिटर्न वापस आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते क्योंकि आप इस पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे और ना ही इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आज शाम भी ये पर्सन आपके बारे में ये बात कर रहे थे, बाकी इस पर्सन को अब इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, इसके बारे में ये पर्सन बात करता है, पर रिटर्न आना इस पर्सन का अब मुमकिन नहीं रहा, पॉसिबल नहीं रहा। तो अब इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि ये ज़िंदगी का सफ़र आप दोनों को अब अलग अलग ही तय करना होगा और इसीलिए आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, लव यू ऑल।